तो पिछले लेक्चर में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, ठीक। अब हम देखते हैं अभी तरंग की, दो प्रकार की तरंग पढ़ी हम लोगों ने, एक यांत्रिक तरंग और विद्युत तरंग। अब इसकी कुछ टर्मोलॉजीज हैं, जैसे तरंग चाल, ठीक। तो एक डेफिनेशन लिखते हैं तरंग चाल, ठीक है ना, तरंग गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स।
आज हम बीएससी सेकंड ईयर के सेकंड पेपर का एक चैप्टर शुरू करने वाले हैं, वेव। ठीक है ना, वेव। वेव का मतलब होता है तरंग। ठीक, तरंग क्या होता है? वैसे तो अगर हम डेफिनेशन ना दें, एग्जाम्पल ही बताएं, तो हम इसको तरंग कहते हैं। तो होती है तरंग, हाँ, ये कह लो तरंग। ठीक, जैसे प्रकाश की तरंग होती है, तरंग कहते हैं। लेकिन जब इसको हम लिखेंगे, है ना, तो लिखेंगे कैसे कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी कण को पहुंचने या ना, वो जिस मार्ग का उपयोग करती है उसको क्या कहते हैं? तरंग। ठीक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में जिस मार्ग का उपयोग किया जाता है उसको हम तरंग। तरंग के चैप्टर में ज्यादातर टर्मिनोलॉजी से, तो टर्मिनोलॉजी से पढ़िए। ठीक, इसको लिखना है तो लिख लीजिए कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए पहुंचने के लिए ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए ऊर्जा क्या पहुंच रही है? ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो ऊर्जा क्या है? तो आप उसको बता देना। ठीक, ऊर्जा जिस मार्ग का उपयोग करती है, जिस माध्यम का उपयोग करती है, उपयोग करती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम तरंग कहते हैं। ठीक, अब तरंग दो प्रकार की होती है। ठीक, एक होती है यांत्रिक तरंग, एक होती है विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, तरंग दो प्रकार की होती है, एक होती है यांत्रिक तरंग, एक होती है विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, यांत्रिक तरंग कौन सी होती है? ठीक है, तरंगें दो प्रकार की होती है, एक यांत्रिक तरंग और एक विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक, यांत्रिक तरंग कौन सी होती है? यांत्रिक तरंगें वे तरंगें होती हैं जो मटेरियल मीडियम का मतलब होता है कि जाने का जो मार्ग है, जो माध्यम है, वो कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे कि या तो हवा होनी चाहिए, या ठोस होना चाहिए, या गैस होनी चाहिए। कुछ ना कुछ अवरोध के लिए समझ लो, या फिर कुछ ना कुछ जाने के लिए समझ लो, कुछ ना कुछ मार्ग होना चाहिए, उनको हम क्या कहते हैं? यांत्रिक तरंग। ठीक है ना, जिनमें कुछ ना कुछ मार्ग होता है, वो मतलब कोई ना कोई माध्यम हमें चाहिए ही चाहिए, बिना माध्यम के हम नहीं जा सकते, चाहे वो हवा हो, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो कुछ भी हो, जब तक हम नहीं जा सकते। ठीक है ना, ओके। जैसे कि ध्वनि, क्या ध्वनि, अगर हम इसका एग्जांपल देते
तो हो जाएगा ध्वनि। जानते हो ना ध्वनि को एक माध्यम से या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए हमें किसी ना किसी की आवश्यकता पड़ती है। यदि जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वायु है, जब हम बोलते हैं तो यहाँ से आवाज वहां तक जा रही है, तो काय के माध्यम से जा रही है, वायु के माध्यम से, ठीक है ना, वायु के माध्यम से जा रही है, तो वायु की आवश्यकता पड़ती है। तो जब कोई मटेरियल स्थिति की आवश्यकता पड़ती है उसको हम कहते हैं यांत्रिक ध्वनि। ध्वनि ध्वनि की चाल अगर ठोस में देखते हैं, ठोस में भी होती है, गैस में भी होती है और द्रव में भी होती है। एक क्वेश्चन आता है, वन लाइनर है, वन लाइनर समझ लो, या फिर ऐसे समझ लो कि जब बड़ी क्लासेस में पहुंचोगे आप, कंपटीशन क्लासेस में पहुंचोगे, तो एक क्वेश्चन आता है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। ध्वनि की जो चाल है वो सबसे अधिक किसमें होती है, ठोस में, द्रव में या गैस में? मतलब यदि हम ध्वनि को ठोस के माध्यम से पहुंचाएं, ठोस एक लंबी रॉड, उसमें हम इधर तक ध्वनि उधर पहुंचाएं, तो वो ज्यादा तेजी से पहुंचेगी, या द्रव जैसे पानी भरा हुआ है, ठीक, हमने यहाँ से पूरा पानी भरा है, हमने यहाँ से ध्वनि को पहुंचाया है यहाँ तक, तो वो ज्यादा तेजी से पहुंचेगी, या गैस हवा में हम यहाँ से वहां पहुंचाते हैं तो वो ज्यादा तेजी से पहुंचती है, ठोस में। ध्वनि की जो चाल होती है वो ठोस में सबसे अधिक होती है, फिर द्रव में और फिर गैस में, ठीक, ये आउट ऑफ सिलेबस सिलेबस में है, ठीक। नियंत्रित तरंगों को क्या होता है, किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। और विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगें वे तरंगें होती है जिन्हें किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती, नो मीडियम, जिन्हें किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब अगर वहां निर्वात है तो वो चली जाए, जैसे कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को हम विद्युत चुंबकीय भी कह सकते हैं, या गामा किरणें भी कह सकते हैं, या गामा किरणों के अलावा जो छोटी छोटी किरणें होती हैं ना उनके बारे में भी कह सकते हैं, ये रेडियो तरंगें हैं, एक्स किरणें हैं, माइक्रो तरंगें हैं, ठीक, जितने भी हैं ये सारे क्या हैं, ये सारी जो है विद्युत चुंबकीय तरंगें आती हैं जिनमें हमें कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, क्लियर है, ठीक। तो तरंग दो प्रकार के समझ में आ गए, यांत्रिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है ना। अब हम कहां चलते हैं, हम चलते हैं यांत्रिक तरंग, ठीक।